मानजोग एसएसपी मैडम अश्विनी गुटैल आईपीएस एसएसपी बटाला जी के दिशा निर्देशों पर काम करते हुए जो नजायज हथियार जुर्म होने तो पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेंदे हुए बटाला पुलिस ने नजायज हथियार के समेत दो दोषी काबू किए हैं, जिस विच के असी दो दोषी काबू करके ते पांच जिहड़े आ 32 बोर के पिस्टल बरामद करके एक सानू वड्डी सफलता हासिल हुई है। इस विच मिति 24/7/2023 नूं साडे CIA स्टाफ बटाला अते नाल SHO कादियां पास इनफॉर्मेशन सी, उस इनफॉर्मेशन के आधार के उत्ते रंगण नंगल के नेड़े अमो नंगल के उपर नाकाबंदी की हुई सी, जिस विच दो दोषियों नूं जिहड़ा उह काबू किया गया। इन्हां दोनों दोषियों के नाम हैं गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जगतार सिंह वासी शाहबाद थाना रंगण नंगल, दूजे दोषी का नाम है साजन मसीह पुत्र गरमेज मसीह वासी दीवानीवाल खुरद थाना सिविल लाइन बटाला जी। जो जो इन्हों इन के कोलों पांच पिस्टल ते 6 राउंड बरामद हुए हैं, MP स्टेट के विचों इंदौर के विचों ये वैपन लैके आए हैं जी। इन्हों का रिकॉर्ड दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुकदमा नंबर 25 गुरप्रीत सिंह पहला ही दर्ज हैगा है NDPA सैक्ट का, तो साजन मसीह के खिलाफ 379B 379 IPC का, तो आम सैक्ट के पहला मुकदमे दर्ज, दोनों में बेल आउट सी। सो ये हुण इन्हां दे असी इस मुकदमे की तफ्तीश के तीन दोषी होर नामजद किए आ, जो ये जो असी इन्हां पंजां जणिआं ने रल के ये जिहड़े वैपन पांच वैपन मंगवाए सी, तो इन्होंने इन्हों वैपना जो इन्हों के कोल हुण पहुँच चुके थे, हुण इन्हां ने कोई ना कोई जिहड़ी आ वारदात नूं अंजाम देना सी। जो असी इन्हों उतों जो MP तो लैके आए ने सानू इनफॉर्मेशन मिली तो असी इन्हों बटाले च एंटर करते हुए असी इन्हों नाके तो पहला ही फड़ लिया जी। जिस तरह साड़ी इनफॉर्मेशन से मुढ़ली तफ्तीश है, ये वैपन अजे उतों लैके ही आए ने, असी इन्हों पहला ही काबू कर लिया। बिल्कुल, असी जितों भी ये दूजी अदर स्टेट तो भी लैके आए ने, असी उन्होंने दोषियों भी नामजद ये पुछगिछ दौरान जोड़ा आएगा उन्होंने भी नामजद कर जा रहे हैं, तो ये जो साथी ने तीन होर दोषी उन्होंने भी नामजद कर लिया गया। सर मैगजीन किन्ने ही पांच ही मैगजीन ने इन्हों अटैच हुए हैं, तो 6 राउंड मिले ने जी। ये अगे यदि तफ्तीश के पार्ट हैगा जड़ा जड़ा ये इनवॉल्व है, जितों इन्हों जानकारी मिली सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। जी ये पहला भी ये दोनों जाने एक ND के केस में अंदर है, दूसरा रह चुका, दूसरा 379B स्नैचिंग की वारदात के नाल आर्म्स एक्ट भी पहला असला भी यूज़ कर चुका है। सो इन्हों का मंशा जी उ लुट्टा खोहां करनिया ते किसी नुकसान पहुँचा, ट्रेन ते बस ते उस तो बाद बस तो उतरे तो फिर इन्हों फड़ लिया गया।